हेलो, आज की कहानी है द एलिफेंट एंड द कैमल। एक बार एक जंगल में दो आदमी पिकनिक मनाने के लिए आए। दोनों खूब ढेर सारा खाना पीना टोकरियों में भरकर लेकर आए थे, लेकिन जब जंगल से वो चलकर आए तो उनका पेट खाली हो गया। जंगल पहुंचकर उन्हें बहुत भूख लगी। सबसे पहले वहां बैठकर और उन्होंने खूब पेट भरकर खाना खाया। खा पीकर सब कुछ खत्म कर दिया। अब जैसे ही उनने खाना खत्म किया, उन्हें ये चिंता हो गई कि रात को वो लोग क्या खाएंगे। वो तो ये प्लान करके आए थे कि सारी रात जंगल में रुकेंगे, अगले दिन सुबह सुबह आराम से नाश्ता करेंगे और फिर घर जाएंगे। अब वे सोचने लगे कि क्या करें। पहला आदमी बोला, अरे चिंता मत करो, मुझे एक आइडिया आया है। मैं ऐसा करता हूं, तालाब के किनारे चला जाता हूं। जंगल के सारे एनिमल्स तालाब के किनारे पानी पीने आते हैं। उन्हीं में से किसी न किसी को दबोचूंगा और उसका शिकार करके ले आऊंगा। उसे पकाएंगे आग लगाकर और मजे से खा पीकर सो जाएंगे। दूसरा आदमी बोला, हाँ ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। पहला आदमी पहुंचा तालाब के किनारे पर। उसने एक मोटा सा डंडा अपने हाथ में पकड़ रखा था। जाकर तालाब के किनारे पर ऐसे पड़ गया जैसे वो मर चुका हो। थोड़ी देर में वहां पर एक कैमल आया। कैमल ने देखा बेचारा आदमी मरा पड़ा हुआ है। उसके पास आया और उसे सूंघने लगा, लेकिन उसे समझ नहीं आया। उसे लगा कि ये मरा हुआ है, लेकिन फिर भी वो पानी पीने नहीं गया। वापस मुड़कर अपने दोस्त हाथी के पास गया। ये हाथी बड़ा ही समझदार था। जब कैमल ने हाथी को ये बात बताई तो हाथी कहने लगा, रुक जाओ, तुम जल्दी मत करो, मुझे पहले चेक करने दो कि वो मरा है कि नहीं मरा। कैमल कहने लगा, तुम तो हर एक पर डाउट करते रहते हो, बेचारा मर चुका है और उसे कोई भी हेल्प करने वाला भी नहीं है। हाथी बोला, ठीक है, तुम उसे हेल्प कर देना, लेकिन मुझे पहले चेक करने दो। कैमल बोला, ठीक है। हाथी बिल्कुल धीरे 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 उस आदमी के पास पहुंचा। आदमी की आंखें बिल्कुल बंद थी और वो सांस रोके पड़ा हुआ था। कैमल ने उसके हाथ का डंडा